हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग्स करने जा रही हूँ, ये रीडिंग्स होंगी नेक्स्ट सिक्स मंथ्स की आप लोगों की। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आप लोगों की मंथ की एनर्जीज क्या होंगी और कौन सी वो घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी। ओवरऑल एनर्जीज को भी पिक करेंगे कि उस महीने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सिक्स मंथ्स कौन से होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, टोटल सिक्स मंथ्स होंगे। हर राशि का जो है एक एक करके पोस्ट डालूंगी, कभी कोई कभी कोई जो है मैं डालती रहूंगी। आप लोग बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आप लोगों को रीडिंग बहुत पसंद आए, देखो यार एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मैं आपसे शेयर सब कुछ एकदम सत्य के साथ, सच्चाई के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए आप क्लेम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, आई क्लेम इट लिखकर, और लाइक भी कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं ओवरऑल एनर्जीज पिक करूंगी, ये स्पेशल लव रीडिंग नहीं है। ये जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स जो है हम देखेंगे। जून मंथ की रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है, जून मंथ की मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ राशि अनुसार। लव की मैंने अलग डाली थी और करियर हेल्थ की मैंने और लव इंक्लूड करके एक अलग और एक राशि की जो डाली थी जून महीने की, दो दो मैंने अलग जो है राशियों की अलग अलग पोस्ट की है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में ही, अगर आप ढूंढेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जून मंथ डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इस रीडिंग्स को कैसे कंसिडर कर सकते हैं आप? मून साइन के अकॉर्डिंग जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मून साइन यानी के नाम के अनुसार। अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ और मून साइन दोनों की डिटेल्स डाले हैं, आप चेक करके खुद जान सकते हैं आपकी राशि कौन सी है। अगर आप लोगों को मून साइन ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप डेट ऑफ बर्थ या राइजिंग साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग है तो ऐसे हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि हाँ मून साइन ही देखो, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन साइन ही देखो। नहीं, आपको जैसे चाहिए आप वैसे देख सकते हैं। और इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस लेना, इसको ऐसे मतलब ऐसे मत लेना कि कितना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं, जो भी है आप एज ए गाइडेंस पर्पस ले लेना। आप ये समझने का प्रयास करना कि अच्छा जो महीने में चीज़ें अच्छी नहीं है तो उस पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें बेटर हो जाए। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं होते, सबकी लाइफ बहुत स्मूथ सी होती है। अब अगर मेरा कोई महीना ऊपर नीचे होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा मैं इमोशनली थोड़ी सी ऑफ रहूँगी इस महीने, ओके, सो आई डू वन थिंग कि मैं इस टाइम पर मेडिटेशन बढ़ा दूंगी या मैं अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करूंगी। तो उसी तरह आपको भी ध्यान देना होगा कि जो भी महीना आप लोगों के लिए खास नहीं होगा उस महीने में आप अपने अंदर जो है अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो, कुछ और चीज़ें करो जिससे वो महीना अभी आप लोगों के लिए लकी और शुभ हो जाए, ठीक है। मैं अपनी रीडिंग एक एक करके शुरू करूंगी। ये था आप लोगों के लिए इंट्रो, ये बेसिक नॉलेज है, जरूरी था। रीडिंग जो है ध्यान रखना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, थी है या था है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करो, आप लोग अच्छे से जानते हो आप लोगों को थी सुनना है या था, पिक करो एनर्जीज को सिर्फ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लियो राशि वालों की। देखेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगले छः महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओवरऑल की एनर्जीज चेक करेंगे। यूनिवर्स सिंह राशि वालों के लिए बताएं नेक्स्ट सिक्स मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। सन, एट ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स, टू ऑफ कप्स, वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई दी सन, प्लीज क्लैरिफाई दी सन। टावर, सेवन ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। लियो राशि वालों, जुलाई मंथ में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ की बहुत ही उत्साह के साथ एक ऐसी शुरुआत करेंगे जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिविटी होगी, गुड न्यूज़ होगी। कहीं ना कहीं आपके लिए जुलाई का महीना अच्छा साबित होगा। जुलाई के महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो सफ़र कर चुके हैं पिछले कुछ टाइम से, जो आप अपनी लाइफ में सफ़र किए हैं, लाइक कोई जॉब चला गया, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस रहा, या कोई ना कोई आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स रहे हैं उससे आपने कुछ सीखा है, लाइक गिरकर दोबारा उठना और दोबारा जोरदार जंप लगाना, ये वाली एनर्जी आप जुलाई में देते नजर आ रहे हो। यानी कि आप अपनी पास से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के बाद दिस टाइम आप अपनी लाइफ में अपनी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। किसी तरीके की आपकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, आपके अंदर जो है काफ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टिव भी रहेंगे, कम्युनिकेशन में काफ़ी पावर देखा जाएगा,
कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आप सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करते नजर आएंगे। काम में भी ग्रोथ नजर आएगी, आप बहुत एक्टिव और बहुत मेहनत करते नजर आएंगे। काम में भी काफी ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहां पर आप लाइक एनर्जी से भरे रहेंगे, ठीक है। ग्रोथ है, एक्टिविटी है, और सरकारी नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो ये महीने आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सूर्य बलवान नजर आ रहा है आपका इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो अपग्रेड होगा ही, एनर्जी लेवल भी हाई होगी। बट इस टाइम फ्रेम पे एक एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ जो माइनस की एनर्जी भी रहेगी जुलाई मंथ में, वो ये होगी कि आप सेल्फिश काफ़ी हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप अपने लिए जिएंगे, ये अच्छी बात भी है, कहीं कहीं माइनस भी है। इसमें आप जो है कई बार दूसरों के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपनी चिंता करेंगे, ऐसी एनर्जी है। आप में हंसी मजाक की एनर्जी भी बनेगी जुलाई के महीने में, आप हंसी मजाक करेंगे। एक आपके अंदर का पुराना जो एक सेल्फ जो खो गया था कहीं पिछले कुछ टाइम से, आप जो खोए खोए से रह गए थे, अपना वजूद भूल गए थे, उस वजूद की दोबारा से एक एंट्री नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। किसी तरीके से जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ बेटर नहीं हुआ, उन चीज़ों को पास्ट को पीछे छोड़े एक नई शुरुआत देखी जाएगी। लव रिलेशनशिप में जहाँ पे मैं बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालेंगे। अगर पार्टनर टॉक्सिक है तो आप टाटा बाय बाय करेंगे उनको अपनी लाइफ से और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अगर आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए भी नजर आएंगे अपने रिश्तों को संभालने के लिए। आप किसी तरीके का ऐसा प्रयास करेंगे जिससे आपके रिश्ते बेहतर हो जाए। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी दिखाई देगी जहां पर आप जो है लाइक एक अगर रिलेशनशिप जैसे खराब हो रहा है, आपकी मैरिटल लाइफ अगर खराब हो रही है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं लाइक अगर वो रिलेशनशिप आप चाहते हैं तो ही वहां पे आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर लाइक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करके चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। ओके, सिंगल है तो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस एनर्जी देखी जाएगी, मस्ती मजाक की एनर्जी, फुल बचपना, फुल जो है मतलब एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको रोक पाना डिफिकल्ट है, आपको कोई रोक नहीं सकता वाली एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ आप नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, लियो राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। अगस्त के महीने में आपके लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, अचानक से कोई कॉल आ सकता है, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई जॉब कॉल आप वेट कर रहे हैं कि किसी कंपनी से आपको कॉल आ जाए, किसी कॉलेज से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में आप काफ़ी क्रिएटिव नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक अलग ढंग से करते हुए नज़र आएंगे। ज्ञान बहुत हासिल करेंगे, नई नई चीज़ों को लर्न करेंगे, नई नई चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर प्यार की भावना भी काफ़ी देखी जाएगी, और कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं या जो लोग नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी एनर्जी में, उनकी लव लाइफ में एक प्लेफुल एनर्जी देखी जाएगी। डेटिंग, फ्लर्टिंग, रोमांटिक एनर्जी, बैकअप प्लान करेंगे आप अपनी लाइफ में, और एक न्यू कहीं ना कहीं एंट्री दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत करके उनके साथ जो है अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हुए एक नई कहानी शुरू करते हुए नजर आएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आप में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनता नजर आएगा, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को संभालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये देखना, मैं मैरिड लोगों का उन्हीं का बता रही हूँ, जो लोग जो है प्रयास करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो लोग नहीं रहना चाहते उनके हिसाब से वो चीज़ें वर्क कर जाएंगी। अगर आप लड़ेंगे, फाइट करेंगे, डेफिनेटली अगर आपको सेपरेट होना है तो आप सेपरेट हो जाएंगे। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप लोगों का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, गुड न्यूज़ है। यहाँ पर जॉब प्रमोशन हो सकती है, फाइनेंसिस ग्रोथ हो सकती हैं, कहीं विदेश में आपने कहीं अप्लाई किया तो वहाँ से अचानक से कॉल आ सकता है। गिफ्ट सरप्राइज वाली एनर्जी ज़्यादा है, और आपके अंदर भी एक पॉलिटिकल एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें आपके लिए कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रहेगा, आप आसानी से अपनी लाइफ में जो भी मतलब एक हासिल करना चाहते हैं चीज़ें उसको आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ग्रोथ है, हैप्पीनेस है आपकी, और कम्युनिकेशन में डेफिनेटली इस महीने भी आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब आपके टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। सेप्टेम्बर का महीना टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन रही है। सेप्टेम्बर के महीने में आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को याद करेंगे, आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक अपनी ही सोच विचारों में रहेंगे,
सब कुछ हाथ से खो दूंगा या खो दूंगी वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे स्ट्रेस आ रहा है कि शायद आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कोई पुरानी मेमोरी आपको ध्यान आ रही है, कोई नेगेटिव चीज़ है आपके माइंडसेट में, कोई नेगेटिविटी भी देखी जाएगी। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस रहेंगे और इन चीज़ों को सोचेंगे कि यार शायद मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा वाली एनर्जी है। अगर किसी कोई सिंगल है, कोई नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो अचानक से उससे डिटैच हो जाएंगे और खुद को आइसोलेट कर लेंगे। लाइक सडनली ना मन आपका राजी नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो न्यू लव ऑफर या न्यू ऑफर जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे भी आप डिस्कनेक्ट होकर आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे और कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती नजर एक ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है जहाँ पर आप अपने पास्ट को याद करेंगे, पास्ट में किसी भूले समय को याद करेंगे, कोई ऐसा वक्त जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा आप उन चीज़ों को याद करते नजर आएंगे और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट नजर आएंगे। सितंबर के मंथ में अगर आप घर वगैरह बाय करने का सोच रहे हैं तो घर बाय करेंगे, लगभग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और आप अपनी सेविंग्स पे भी बहुत फोकस करते नजर आएंगे। अकाउंटिंग पे आपका बहुत अच्छा खासा ध्यान होगा कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। बेसिकली आप मुंशी की एनर्जी में ज़्यादा नजर आ रहे हैं मुझे सितंबर के मंथ में। आप मुंशी बने रहेंगे और मुंशी जैसे होते ना खड़ूस से दिखाते हैं पुराने जमाने के, बड़े खड़ूस से ज़्यादा बोलते ना अकाउंट्स के आगे कुछ दिखता नहीं, तो वैसी कोई एनर्जी है जहां पर आप किसी को भी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहे, ज्यादा बात नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट फैमिली के होते हुए भी फैमिली से दूर दूर रह रहे हैं, अपने आपको अपने कमरे में बंद रख रहे हैं या अपनी एनर्जीज को आइसोलेट करते हुए, लाइक अपने आप को आइसोलेट करते हुए ज्यादा लोगों से घुलते मिलते हुए नहीं नजर आ रहे। ऐसा लग रहा है कि लाइक ज्यादा आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप जितना हो सके अपने आप में रहना, अपने अंदर जो है सोच विचार करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा देखी जाएगी इस टाइम फ्रेम में। किसी तरीके का डर भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इस महीने में सितंबर के मंथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं थोड़ा डगमगाता हुआ और कम महसूस होगा। आपको लगेगा कि नहीं, लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम वाली कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं नजर आएगी। बात करें अब अक्टूबर के महीने में, टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्लारिफाई यूनिवर्स, टू ऑफ कप्स। अक्टूबर के महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मिलते हुए नजर आ रहा है। अक्टूबर में आपको काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखा जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी अपने आप को लाइक आपकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी खासी ग्लो करेगी, शाइन करेंगे आप, अच्छे दिखेंगे, फिटनेस पे भी अच्छा ध्यान रहेगा आपका और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपका एक न्यू वर्जन देखा जाएगा, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आपके अंदर का देखी जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा वेट अभी तक गेन किया है तो सडनली आप अक्टूबर के महीने में आपका वेट लॉस हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टूडियस एनर्जी भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेंगे और नई नई चीज़ों को सीखते हुए, नई नई रिसर्च को करते हुए, नया नया नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके काम में भी कोई प्रमोशन या आपका नाम हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। कुछ प्रकार के अगर पार्टनरशिप या इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम पे आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे और सिंगल्स को अपनी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो कोई ट्रू लव या सोलमेट आपको मिल सकता है। इस टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है और लाइक ये व्यक्ति जो होगा वो टाइम पास वाला इंसान नहीं होगा, वो जेन्युइन व्यक्ति होगा जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी है, जो लॉन्ग टर्म कनेक्शन की बात करूं तो, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों के लिए यूनियन के चांसेस बन जाते हैं इस महीने में। इस महीने में आपके लिए यूनियन के चांसेस है, सडनली आपकी लाइफ में आपके पास पार्टनर वापस से एंटर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपको अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, काफ़ी हैप्पीनेस फील होगी, आपको लगेगा लाइफ मेरी बैलेंस्ड हो रही है। इस टाइम फ्रेम पे अगर आप शादी के लिए भी देख रहे हैं तो यस, शादी की बात कहीं पक्की हो सकती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम देखा जाएगा जिसमें आपकी शादी की भी बात पक्की हो सकती है, लोग आपको पसंद कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। और इस टाइम फ्रेम में अगर आप बेबी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर के मंथ में आपको बेबी के रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या आप कंसीव कर सकते हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लारिफाई करें यूनिवर्स। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों में रोमांटिक रिलेशनशिप देखा जाएगा, काफी रोमांस बढ़ेगा, काफी केमिस्ट्री अच्छी देखी जाएगी। वर्ल्ड की एनर्जी को क्लारिफाई करें। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, नवंबर में फाइनली विदेश यात्रा आप करेंगे, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाएंगे, पीआर का काम चाहते हैं तो पीआर का काम होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां बात करूं लव रिलेशनशिप की, तो टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकल के
फाइनली एक लविंग केयरिंग इमोशनल एनर्जी में आप आएंगे। बहुत ज्यादा समय से अगर आपने स्ट्रेस देखा है अपनी लव लाइफ में तो उससे आप बाहर निकलेंगे, आपके एक्सक्यूजेस से आप बाहर निकलेंगे। ट्रस्ट इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं वो ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व होंगे आपके। अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो ट्रस्ट करना सीखेंगे। और लव लाइफ में अगर किसी को आप अपनी जिंदगी में नहीं ला पा रहे तो उन्हें अपनी लव लाइफ में किसी को ले आएंगे। लाइक इस तरीके की एनर्जी जहां पर एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा आपका। इस टाइम फ्रेम में आपको कोई ऑफर या कमिटमेंट भी मिल सकता है। इस टाइम फ्रेम में आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसी एनर्जी है जहां पर नवंबर का मंथ आपके लिए एक ब्लेसिंग बनकर आ सकता है। इस टाइम पे आप अपना कोई स्टार्टअप, अपने जॉब में भी कोई रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, इसमें भी ग्रोथ है। अक्टूबर नवंबर दोनों आपके लिए काफी ब्लेसिंग से भरे नजर आएंगे। ओ माय गॉड, सुपर डुपर वाली एनर्जी। लियो राशि वालों, आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, मैंने सबकी राशि जो भी मैं कर रही हूँ उनमें से ये राशि मुझे दिख रहा है कि एक ब्लेसिंग बनकर आप लोगों के लिए खड़ी है, क्योंकि इसमें काफ़ी महीने जो हैं आपके अच्छे हैं, ब्लेस्ड है। बाकी लोगों के लिए काफ़ी महीने डिफिकल्ट रहे हैं, फिर कुछ अच्छे महीने आए हैं, बट आपके लिए मैं दिख रही हूँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है, आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा मिली है, आपको ब्लेसिंग ज़्यादा मिली है। बट इट इज़ जस्ट कि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत जो मतलब आपके अंदर चंचलता, हंसी मजाक वाली एनर्जी या थोड़ी सी हल्की फुल्की जो डिस्टर्बेंस है वो सितंबर मंथ और जो है जुलाई का मंथ, मतलब जो मेंटल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि ओ मतलब कहाँ फंस गए या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है या सेल्फिश हो गए एकदम से, तो वो वाली एनर्जी ये दो महीने मुझे दिख रहा है। ओके, दिसंबर का मंथ, विश फुलफिलमेंट, टेन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी 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 ब्यूटिफुल एनर्जी। यहाँ पर अगर शादी वादी चाहिए तो शादी फिक्स हो सकती है, सगाई हो सकती है, परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए, रिकॉन्सलेशन, परमानेंट रीयूनियन चाहिए तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं, और पर्सनल पीस और सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। ऐसा लग सकता है कि भगवान ने फाइनली जस्टिस किया। और लव रोमांस में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंडर में होती नजर आएंगी। सिंगल हैं तो क्रश आपको प्रपोज कर देंगे। इस तरीके की सिचुएशन है जहां पर आप दोबारा प्यार में पड़ेंगे, एक रोमांटिक कनेक्शन बनेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपके अंदर मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन, भगवान की कृपा, कहीं ना कहीं सब कुछ बेहतर होता हुआ एक शाइनिंग रेनबो नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें, फैमिली बनती नजर आ रही है आपकी। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, अचानक धन लाभ भी होगा, कोई व्यक्ति आपसे आके सॉरी बोल सकता है, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन न्यू, कोई नए से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस नए व्यक्ति को भी मतलब उस ऑफर में ही देखेंगे जो ऑफर आप चाहते थे। सब्र, जो आपने जिस चीज़ के लिए बहुत समय से सब्र रखा, आपने एक्सपेक्ट किया कि कोई व्यक्ति आएगा आपसे सॉरी बोलेगा या कोई व्यक्ति आपको अपने दिल की बात बताएगा या एक दिन आपको कमिटमेंट मिलेगा, यू विल गेट मैरिड या समथिंग, कुछ ऐसे मन में कुछ था तो वो इच्छाएं पूरी होंगी। यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखी जाएगी इस टाइम फ्रेम में। फाइनेंसिस भी आप बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। नेम फेम सक्सेस कहीं ना कहीं आपके लिए आती हुई नजर आ रही है दिसंबर के महीने में। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी महीने काफ़ी बेटर पोजिशन पे हैं। हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपके अंदर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं मिलेंगी। जिस तरीके के डिजायर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो कहीं ना कहीं मिलते नजर आ रहे हैं। फैमिली में पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन देखा जाएगा। अगर आप किसी तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वहां हीलिंग होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, चीजें कुछ ठीक नहीं हुई या भगवान जो है आपकी सुनते नहीं, तो कहीं ना कहीं एंडिंग के जो डेज आएंगे, जो महीने आएंगे, उस टाइम पे आपका थॉट ऑफ बोलते हैं ना माइंड ही पूरा चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं है, भगवान बोलते हैं ना देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, इस बात पे आपका विश्वास हो जाएगा कि भाई नहीं, भगवान ने ना सिर्फ मुझे पैसों में या लाइक किसी तरीके की करियर में ग्रोथ दी है बल्कि मेरे लव लाइफ में भी ग्रोथ दी है और अब मैं पूरी तरह सक्षम हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। और जो लोग सिंगल ही रहना चाहते हैं वो सिंगल में भी मजे करेंगे। लाइक बेसिकली आपका टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा मुझे कहीं ना कहीं। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है जुलाई भी अच्छा है, अगस्त भी अच्छा है आपके लिए और लास्ट के 3 मंथ, सिर्फ एक ही मंथ है जो आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा या एग्जॉस्टेड रहेगा, बट तभी भी आप मुझे थोड़ी सी होपफुल जरूर दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी पे हो जहां पर आप होप्स जरूर रख रहे हो कि यार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब आप हिम्मत हारते हुए नजर नहीं आ रहे हो, ऐसे नहीं लग रहा है कि डिस्टर्ब्ड हो कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, भगवान तू इंसाफ कर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बट हाँ, आप अपने पास्ट को याद करते हुए, चीज़ों को बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को मिस करेंगे या किसी के कोई फैसले को लेकर आप कंफ्यूज नजर आएंगे, तो ये एक महीना से वैसा रहेगा। बाकी तो सारे महीने आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल साबित होंगे, बहुत ज्यादा अंदर से सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस नजर आ रही है। स्पेशली
सबसे बेस्ट महीना जो होगा वो आपके लिए दिसंबर का मंथ साबित होगा। आपकी ग्रोथ और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है वो अक्टूबर से बढ़ता नजर आएगा। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग, हैप्पीनेस और एक लाइक बोलते ना कि एक्साइटमेंट देखी जाएगी आपकी लाइफ में। मैरिज वगैरह ट्राई कर रहे हैं या बच्चा कंसीव के लिए, तो ये टाइम फ्रेम में ही लास्ट के 3 मंथ्स में आप ट्राई करें, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेलिब्रेशन या कॉज हो सकता है, लाइक आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो राशि वालों। आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।